और बात अब सिरसा की कर देते हैं। अच्छा हाँ, सिरसा में जिस तरीके से पवन बेनीवाल को कमजोर बताया गया है, एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद अब हरियाणा कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल को उपचुनाव में उनकी नकारात्मक भूमिका बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि ये नोटिस 1 नवम्बर को ही जारी कर दिया गया था और इसका जवाब देने के लिए बेनीवाल को 1 हफ्ते का समय दिया गया था। और इसी के साथ ही बता दें कि भरत बेनीवाल ने नोटिस के जवाब में कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल को एक कमजोर उम्मीदवार बताया है। भरत बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को कमजोर नहीं किया बल्कि पार्टी को पिछले 50 सालों से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिलने से वो नहीं बल्कि कांग्रेस के वोटर नाराज थे। भरत बेनीवाल ने इस बीच ये भी कहा कि पवन बेनीवाल का कांग्रेस में कुछ नहीं था, उसके दोस्त रिश्तेदार और वोटर सब इनेलो और बीजेपी में है और पवन बेनीवाल की तो कांग्रेस के लोगों के घर कांग्रेस के वोटर तक नहीं पता थे। ऑपरेशन हुआ था मेरा, ऑपरेशन हुआ मैं घर बैठ गया, जितनी मैंने लोगों से मदद करनी थी कह के बुला बुला के थी, क्यों लोग नए कैंडिडेट के साथ जुड़ने नहीं थे, क्यों इसने पौने 20-25 साल तक ही लोगों को परेशान किया है, खुद वोटरों का दुख था, पौन के साथ कोई था नहीं, ना तो यहाँ वोटर था ना ही कोई यार बेली थे ना रिश्तेदार थे, इसके रिश्तेदार है ही नहीं इनोलो में है क्या बीजेपी में यार बेली है, अब कांग्रेस से मिल के कोई है नहीं, कांग्रेस में पहले कह रहा था कांग्रेस का लोगों का घर देखेगा इतने तो सारी की टिप जाएगी, इसको घर भी नहीं लगेगी, कांग्रेस घरों को जानता ही नहीं, कांग्रेस वोटर को नहीं जानता कौन कांग्रेस है, हर जाए तो उससे नाराज है वो अगला मिलता ही नहीं, इसको क्या बताए खुद कैंडिडेट की कमजोरियां रही है।